हेलो so, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम बात करेंगे सर किसकी साड़ी चौबीस सौ दस साड़ी पहनने की सही उम्र क्या होती थी पिछले सेशन में सीखा है चौबीस साल ठीक है सर अब ये चौबीस सौ दस किसकी बात करता है सर ये भी बात करता है कि रिव्यू इंगेजमेंट की रिव्यू किसकी आई फॉर

अब सर ये जो साढ़े चौबीस सौ दस है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्सेप्टेंस ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस मिसलेनियस तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस में वही बेसिक बात है जो हम पहले सीखते थे हम एग्री करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को इन एंगेजमेंट लेटर सर क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होती थी ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप दोनों की रिस्पॉसिबिलिटी अब ये दोनों कौन है ऑडिटर और मैनेजमेंट सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक करते थे एप्लीकेबल एफ आर एफ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किससे लिंक करते थे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ़ द रिपोर्ट अब ऑडिट प्रोसीजर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सबसे पहले सर बात करते प्रोसीजर्स की टू अंडरस्टैंड या अपडेट द अंडरस्टैंडिंग सर टू अपडेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल तो सारे बच्चे मुझे बात बताओ हम अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए हम अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए क्या करते हैं सर रोज सुबह रीडिंग करते हैं किसकी रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं अच्छा क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ रीसेंट खबरें होती हैं या पुरानी बातें भी होती हैं सर दोनों होती है तो यहां पे भी हम रीड करेंगे पुरानी बातें और रीसेंट बातें ऑन पुरानी बातें और रीसेंट बातें पुरानी बातें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी डॉक्यूमेंट हैं रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ द प्रीवियस ईयर उनको प्लस जो डॉक्यूमेंट हैं रिलेटेड टू द रिव्यू अब ये रिव्यू कौन सा एक तो इस साल में जो पहले क्वार्टर गए इस साल में जो पहले क्वार्टर गए यानी प्रायर इंटरिम पीरियड्स प्रायर इंटरिम पीरियड्स ऑफ द करंट ईयर ठीक है सर दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर

मामूली रिस्क या सिग्निफिकेंट रिस्क सर सिग्निफिकेंट रिस्क सो डू कंसीडर द सिग्निफिकेंट रिस्क अब सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल सब तो मेरे को लगता है सबके दिमाग में बैठ गए होंगे कॉम्प्लेक्स फ्रॉड कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का मतलब था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉड रिलेटेड पार्टी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अन ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स एंड डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने फ्रॉड का एक्जाम्पल ले लिया मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल्स विच वॉज आइडेंटिफाइड इन प्रायर पीरियड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब मुझे बताओ सिग्निफिकेंट रिस्क का क्या मतलब है हाई रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो अगले पॉइंट में हम मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात करेंगे कंसिडर द नेचर ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट करेक्टेड और अनकरेक्टेड कम ऑन करेक्टेड और अनकरेक्टेड विच वर आइडेंटिफाइड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट

पुरानी बाते, रिसेंट बातें डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड ऑडिट एंड इंटरिम पीरियड ठीक है सर फिर जो भी रिसेंट आपके पास एनुअल और कंपेरेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको रीड करो दूसरी चीज क्या करेंगे रीड करते करते फोकस करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क के बाद हमारे फोकस आएगा मटीरियल मिस स्टेटमेंट पर अब चेक करो मटीरियल है कि नहीं उसके लिए कंसिडर करेंगे मटीरियलिटी ठीक है बॉस ठीक है सर इसके अलावा अदर पॉइंट्स दैट यू कैन कंसीडर हेर इज मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल इसके अलावा भी मैं बताता हूं सबसे पहला पॉइंट देखो रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस निकाली है क्या इसने कोई चेंजेस इन द इंटरनल कंट्रोल बताए हैं प्लस वॉट आर योर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सर रिजल्ट प्रोसीजर अरे बाबू तुम सिर्फ रिव्यू थोड़ी कर रहे हो ऑडिट भी कर रहे हो यहां रिव्यू करने वाला बंदा वही तो है जो ऑडिट भी कर रहे हैं हाँ तो जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता है, होता है? जब आप रिव्यू करते हो आई एफ आई बाई द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई एफ आई की डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना बस ये कहता है इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड शॉर्टर दैन द होल एनुअल पीरियड ठीक है सर पीरियडल क्वार्टर ऑफ एयर फिर हमने ये वाला क्वेश्चन अभी कवर किया अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं सेकेंड थिंग कम्स इंक्वायरी एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर तो आई से क्या क्वेश्चन लिख के देगा एग्जाम में ये वाला सारे बच्चे मेरे साथ रीड करो कम ऑन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट एंड मटीरियालिटी फेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर वॉट आर द प्रोसीजर ऑडिटर ऑर्डिन सारे बच्चे मुझे एक बताना, क्या मैं सीधा इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के पास जाऊं या यहां पर भी रीडिंग से स्टार्ट करें यहां पर भी रीडिंग से स्टार्ट करें सर हम यहां पर भी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं पिछली बार अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करने में क्या रीड की थी पुरानी बातें और रिसेंट बातें यहां क्या रीड करेंगे चटपटी बातें मुझे बताओ चटपटी बातें डिस्कस होती बता दो जरा जो चटपटी बातें हैं वो कहां डिस्कस होती है। सर चटपटी बातें डिस्कस होती है मीटिंग्स में किसकी मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स की टीसीडब्ल्यू की कमिटीज की तो उनकी मीटिंग्स में क्या क्या डिस्कस हुआ उसको रीड करो ठीक है सर दूसरी बात अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो इंक्वायर करो मीटिंग्स में क्या क्या हुआ तो सबसे पहला पॉइंट जो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे सर क्या रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टीसी जी एंड कमिटीज टू आइडेंटिफाई क्या कोई ऐसे मैटर्स है जो अफेक्ट करते हो आपकी आईएफआई को इसमें अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो यू कैन इंक्वायर अबाउट दोज मैटर्स अब सर जनरली पढ़ते पढ़ते क्या होता है हमें पुरानी बातें याद आती हैं पुरानी कुछ ऐसी बातें याद आती है जो हमें चिंता क्रिएट करती हैं सर बताओ ऑडिटर को चिंता किससे होगी सर ऑडिटर को चिंता होगी उन मैटर्स की वजह से जिनकी वजह से पिछली बार ओपिनियन मॉडिफाई किया था जो ऑडिटर है उसको चिंता किससे होगी उन मैटर से जिसकी वजह से पिछली बार ओपिनियन मॉडिफाई किया था तो जब यह बेचारा रीड कर रहा था इसने कंसिडर किया इफेक्ट ऑफ द मैटर्स विच गेव राइस टू मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ऑडिट और रिव्यूज अब जब आपको चिंता होती है तो आप क्या करते हो अपने दोस्त को कॉल करते हैं इसका दोस्त कौन है कंपोनेंट्स का ऑडिटर तो कम्युनिकेट विद द अदर ऑडिटर्स व्हेन यू आर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ठीक है सर तीन बातें हो गई तीन बातें हो गई जल्दी से बताओ क्या क्या सबसे पहले हमने क्या किया रीड करें मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब रीड कर रहे थे तो हमको चिंता हुई अबाउट द मैटर्स विच गेव राइज टू मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस ऑडिट और Reviews. जैसे जैसी चिंता हुई तो क्या किया फोन लगाया किसको फोन लगाया सर हमने फोन लगाया कॉम्पोनेंट के ऑडिटर को अदर ऑडिटर को क्योंकि उससे कम्युनिकेट करना जरूरी क्यों है क्योंकि आप कंपोनेंट के फाइनेंशियल का भी रिव्यू कर रहे हो जब ये तीनों चीजें हो गई अब क्या करेंगे इंक्वायरी करेंगे इंक्वायरी कौन से तीन मैटर्स के करते थे बेसिक चेंजेस या कुछ नया कमऑन बेसिक चेंजेस या कुछ नया सर बेसिक का क्या मतलब है बेसिक का मतलब है आप उनसे पूछो जो हमारी आई एफ आई है जो हमारी आई एफ आई है इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड द एप्लीकेबल एफ एफ आर चेंजेस का क्या मतलब है वेदर आर एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स फॉर पहले ऑपरेटिंग लीज थी आज फाइनेंशियल लीज हो गई है या फिर आपने कोई नई ट्रांजेक्शन करी विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि न्यू लीज तो हमारी इंक्वायरी किन मैटर्स को लेके होगी तीन चीजों को लेके बेसिक कुछ चेंजेस कुछ नया अगली इंक्वायरी क्या थी सच्ची सच्ची बताओ सच्ची सच्ची बताओ मैनेजमेंट को पूछेंगे सच्ची सच्ची बताओ क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आई एफ आई में कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है कोई नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं है अगर नॉन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होगी तो मैनेजमेंट अच्छी है या मैनेजमेंट फ्रॉड है जल्दी से बता दो अगर नॉन अनकटेड मिस्टेटमेंट छोड़ रखी है तो मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी है या मैनेजमेंट फ्रॉड है सर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो अगला पॉइंट जो हमको यहां पे कंसीडर करना था यही था कि हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे सच्ची सच्ची बताओ डज द आई एफ आई कंटेन नॉन अनकरेक्टेड स्टेटमेंट इफ द आंसर इज यस मैनेजमेंट इज अ फ्रॉड अ फ्रॉड का मतलब क्या था एफ फॉर हम फ्रॉड को लेके दो इंक्वायरी करेंगे क्या कोई ऐसा फ्रॉड है मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल वाले इंप्लॉइज इन इंटरनल कंट्रोल या कोई ऐसा फ्रॉड है दैट हेज बीन कम्युनिकेटेड बाय इंप्लॉयज और अनाडीज सर अनाडीज का क्या मतलब था जल्दी से बताना वॉट डू मीन बाई अनाडीज एनालिस्ट रेगुलेटर्स एंड अदर्स फिर हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के डिस्कलोजर के बारे में इंक्वायरी करेंगे A का मतलब क्या था जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग है जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एजम्पन है उनमें आप मैनेजमेंट के इंटेंट को लेकर इंक्वायरी करोगे यू का मतलब क्या था अनयूजल ट्रांजेक्शन होता है जनरली बट यहां था अनयूजल सिचुएशंस क्या इस क्वार्टर में कोई मैनेजमेंट का एंड हो रहा है या फिर ये अपने किसी डिवीजन या सेगमेंट को सेल ऑफ कर रहे हैं एंड डी था क्या ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं विद द डेट कोवर्ट तो जो इन्होंने लोन ले रखे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं बात समझ में आती है समझ गए सर तो इंक्वायरी में मोटा मोटामाटी बस आपने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं फिर एनालिटिकल प्रोसीजर में बस आइडेंटिफाई द अनयूजुअल रिलेशनशिप्स क्या कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन है एंड लास्ट में बेसिक चीज है जस्ट रीड द आई एफ आई जस्ट रीड द आई एफ आई टू चेक कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था ये कंक्लूड करना एनी थिंग अटेंशन एनी हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट द आई एफ आई इज नॉट प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ क्लियर है बॉस क्लियर है सर तो यहां हमारा इंक्वायरी एनालिटिकल एंड रिव्यू प्रोसीजर्स वाला पार्ट डन है जो एक दो इंक्वायरी वाले पॉइंट्स मैंने छोड़े हैं उनको बस आप एक बार रीड कर लेना अब मेरा आप सबसे सवाल याद है हमने एक ऐसे पढ़ा था 501 जीरो हां सर पढ़ा तो था इसमें हम बात किसकी करते थे लिटिगेशन एंड क्लेम्स की कंप्लीटनेस की कैसे इंश्योर करते थे कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स सर हमको मैनेजमेंट के केसेस के बारे में कैसे पता चलेगा कि एन पे क्या केस चल रहे हैं मैनेजमेंट से पूछ लो हम मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं सो so, इंक्वायरी करते थे मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट के साइड में एक और बंदा बैठा होता था जिसका नाम था इन हाउस लीगल काउंसिल अब ये दोनों ही लोग बड़े बोरिंग होते थे तो हम रीड करते थे चटपटी बातें अब ये चटपटी बातें कहां लिखी होती थी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में साथ ही साथ हम रीड करते थे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और एन के बीच में क्या क्या चैट चल रही है

जो मैनेजमेंट हमसे हाइड कर रही है तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते थे विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल यही सेम टू सेम बात आपकी किताब में लिख रखी है इट इज नॉट नेसेसरी टू सेंड अ इंक्वायरी लेटर टू द एंटिटीज लॉयर बट इट मे बी अप्रोप्रिएट अगर आपके अटेंशन पे कोई ऐसा मैटर आता है जिस पे आप सवाल उठाते हो सर किस पे सवाल उठाते हो दैट द आई एफ आई इज नॉट प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ तो फिर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लॉयर से मिल सकती है देन यू कैन कम्युनिकेट लॉयर तो इसके ऊपर आईसीआई हो सकता है आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले अब सर बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स की मुझे बताओ सब्सिक्वेंट इवेंट्स में ऐसे फाइव सिक्सटी में क्या सीखा था सर बड़ी सिंपल चीज सीखी थी जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट हमारा काम होता है उनको आइडेंटिफाई करना तो ये हमारा काम है या पहले मैनेजमेंट मैनेजमेंट का का काम है? का काम है है तो हम मैनेजमेंट से अंडरस्टैंड करते थे कि आपके क्या प्रोसीजर है आइडेंटिफाई करने के फिर उनसे इंक्वायर करो क्या आपको कोई ऐसा इवेंट मिला सर बड़े बोरिंग लोग हैं अगेन रीड करो अगेन रीड करो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स कौन सी मीटिंग्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद होती हैं हम्म hmm. अब इस बार और क्या रीड करेंगे सर हम रीड करते थे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इफ इट इज अवेलेबल उसको भी हम रीड कर सकते हैं फिर देखो क्या आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स मिले नाकरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सर रिव्यू में क्या ये सारा तामझाम करना है क्या रिव्यू में इतनी मेहनत करनी है मैंने कहा नहीं बाबा सिर्फ दो चीजें करनी है इंक्वायर करना है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है तो आप इंक्वायर करो क्या जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रिक्वायर था दीज तो अगर आप देखोगे यहां सीधा सीधा लिखा है ऑडिटर शुड इंक्वायर वेदर मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्कलोजर नो नीड टू नी no प्रोसीजर तो अगर आप अपनेवेदी रिव्यू रिपोर्ट ऑन ट्वेंटी एथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वार्टर क्या है क्वार्टर एंडिंग थर्टी एथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू अब सारे बच्चे बताओ डिस्क्राइब हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट अकरिंग फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू टिल कुछ नहीं करना बस इंक्वायरी करनी है इंक्वायर वेदर मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट अपू दिव्यू रिपोर्ट विच रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्कलोजर तो हमको इस केस में ज्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं है ठीक है ठीक है सर अब वापिस आ जाओ अपने केस में अब सर गोइंग कंसर्न को लेकर हमने एक चार्ट बनाया था बस आपने इस चार्ट को गोथ्रू करके चलना है. मैंने कहा हम गोइंग कंसर्न में क्या करेंगे सर जो भी आपने अब तक किया है क्या किया है मैनेजमेंट से इंक्वायरीज की है आपने अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जब आप यह सब कर रहे थे तो हो सकता है यू इवेंट और कंडीशन यू इवेंट और कंडीशन दैट मे अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न अगर ऐसा हुआ है देन बाबा यू जस्ट नीड टू इंक्वायर इस केस में भी बस इंक्वायर करना है चाहे 560 हो या 570 चाहे 560 हो या 570 हम क्या करेंगे सिर्फ इंक्वायर करेंगे सो इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट इट्स प्लान क्या उनके प्लान है प्लस क्या वो प्लान फिजिबल है एंड दे विल इंप्रूव द सिचुएशन ठीक है सर दूसरी चीज जो भी ये मामला है इवेंट और कंडीशन दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड भी एडिकुएटली डिस्कलोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मालिक जब हमने गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर कर लिया तो इसका रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी कर ही लेते हैं जब इतना खर्चा हो ही गया तो दो चिप्स भी ले ही लेते हैं देखो गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग क्या कहती है अगर आपको कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी मिलती है तो हमको आई में क्या चाहिए एडिक्वेट डिस्कलोजर तो अगर एडिक्वेट डिस्कलोजर है तो ऑडिट में क्या डालते थे मुर्ग पैरा यहां मुर्ग पैरा नहीं डालेंगे यहां हम डालते हैं ईओ एम पैरा यानी पैरा ठीक है हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं बाय एडिंग पैरा बट अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स कंक्लूजन देके चलेंगे क्लियर है पॉइंट क्लियर है सर इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था बताना गोइंग कंसर्न के बाद सर गोइंग कंसन के बाद गोइंग कंसर्न वाला पार्ट हमारा यहाँ पे ओवर हो गया डाउट अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाउट अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब मान लो आपने देखा एंटिटी ने कुछ सेल्स की थी एंटिटी ने मार्च के महीने में कुछ सेल्स की थी बट उनको उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाया उनको उन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाया उन्होंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिखाया तो सेल्स के रिगार्डिंग में क्या कर सकता हूं सर जो सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है आप उससे इंक्वायरी कर लो आप उससे इंक्वायरी कर लो वो कहते हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है तो आप अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो तो यही बात लिखी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी सिग्निफिकेंट सेल्स ट्रांजैक्शन पे तो यू कैन परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर लाइक

ठीक है सर तो जो भी अनकटेड स्टेटमेंट है यू नीड टू इवेलुएट वेदर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दीज आर मटीरियल स्टेटमेंट वंस यू आर इवेल्युएटिंग वेदर दीज आर मटीरियल स्टेटमेंट इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इफ यू फील दैट येस दीज आर मटीरियल स्टेटमेंट देन इट रिक्वायर्स मटीरियल एडजस्टमेंट अब मटीरियल करनी पड़ेगी, Then it requires material adjustments in your so, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने जो भी uncorrected misstatements उनको पड़ेगीवेलुएट करना है क्या ये मटीरियल तो नहीं अगर वो मटीरियल है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट में तो फिर आपको मटीरियल एडजस्टमेंट करानी है बस इतनी सी बात ध्यान रख के चलना। अब सर एक बात बताओ वट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर इंफॉर्मेशन सेम टू सेम जो ऑडिट में थी सेम टू सेम जो ऑडिट में थी यानी जो अदर इंफॉर्मेशन होती है एनुअल रिपोर्ट में मुझे उसको ऑडिट नहीं करना बस रीड करना है। मुझे उसको ऑडिट नहीं करना बस उसको रीड करना है और रीड क्यों करना है यह देखने के लिए कि कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं किसके बीच में आईएफआई और एनुअल रिपोर्ट के बीच में जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट में दे रखी है जो इंफॉर्मेशन आईएफआई में दे रखी है इन दोनों के बीच में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं इफ देर इज अटीरियल इनकंसिस्टेंसी तो क्या होगा सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है या तो आईएफआई में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है या अदर इंफॉर्मेशन में अगर आईएफआई में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती देन कंसीडर द इम्प्लीशन ऑन योर रिपोर्ट बट अगर अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो रिपोर्ट को मॉडिफाई मत कर देना हम रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा डालेंगे एडिशनल पैरा डालते हैं टू डिस्कस द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी और व्हाट यू कैन डू विड्रॉ फ्रॉम दर डोट इश्यू द रिपोर्टमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जहां पे मटीरियल स्टेटमेंट है, है यानी देर इज अटीरियल फैक्ट इन अदर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल आपने एयरटेल की रिव्यू रिपोर्ट देखी उसके बाद आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पे गए। रिपोर्ट में एयरटेल ने लिख रखा था हमारा है? है। क्या करोगे किसका गला पकड़ेंगे मैनेजमेंट का सो डिस्कस दिस मैटर मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट हो सकता है बोले कि भाई जो बीस परसेंट मार्केट शेयर बढ़ाए ना हम लिखना भूल गए कि वो ना टेलीकॉम में नहीं बढ़ा, ब्रॉडबैंड में बढ़ा है तो आपने कंसीडर करनी है वैलिडिटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का रिस्पांस, जरूरत लगे तो मैनेजमेंट को बोलना तुमको आता है नहीं है तुम थर्ड पार्टी को कंसल्ट करो यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर थर्ड पार्टी कंसल्टेशन ठीक है सर इसके बाद भी अगर आपको लगता है अमेंडमेंट इज नेसेसरी और मैनेजमेंट नहीं मान रही तो सर अब क्या करना है मैंने कहा हमको कुछ समझ में नहीं आता हमारे पास आंसर नहीं है लीगल एक्शन ले लेना यानी टेक अ लीगल एडवाइस एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक अ प्रॉपर एक्शन ऑन द सेम तो यही की यही बात यही की यही बात आपके यहां पे दे रखी रखिये इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देन कम्स

अब इस चीज को आप मटीरियल स्टेटमेंट मान सकते हो कब जब ये एडजस्टेड एबिड की कैलकुलेशन को एक्सप्लेन नहीं करते या फिर ये एडजस्टेड एबिड को पीएनएल से रिकनसाइल नहीं करते अगर ये रिकनसिलेशन मिसिंग है या ये कैलकुलेशन मिसिंग है तो इट कैन बी कंसिडर्ड अ मटीरियल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द एनुअल रिपोर्ट एंड योर आई क्या ये पॉइंट समझ आता है हाँ सर समझ गए फिर हमने बात की थी कम्युनिकेशन की प्लीज इस पार्ट को बस रीड कर लेना इसमें कुछ खास मसाला नहीं है देन हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अगेन इसको बस रीड करके चलेंगे बेसिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसको लेके लेनी है कि जो पी एफ आई है मटीरियल में स्टेटमेंट नहीं है इसके लिए हमने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं देन तीन स्टैंडर्ड्स की बात याद रखने टू फोर्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी कम ऑन टू फोर्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी एक बार और टू फोर्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी टू फोर्टी में क्या मतलब क्या है मैनेजमेंट ने डिस्कलोज किया ऑडिटर को क्या एक तो जो भी फ्रॉड्स उसको मिले हैं एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट कम ऑन जो भी फ्रॉड्स उसको मिले हैं एंड जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है 250 में उसने डिस्क्लोज फिफ्टी में जो भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हैं एंड 450 का मतलब है जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल नहीं है जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल नहीं है इसको लेके भी मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देनी है तो बेसिक दो चीजें हो गई टू फोर्टी टू फिफ्टी एंड फोर फिफ्टी ठीक है बॉस ठीक है सर देन रिपोर्टिंग में आपका टाइटल आ जाएगा एड्रेस ही आ जाएगा मुझे बताओ एड्रेस ही कौन होता है जनरली सर हमने जोमैटो की रिपोर्ट में देखा था हमने जोमेटो की रिपोर्ट में देखा था यहां पे जो एड्रेस ही है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं तो शेयर होल्डर्स एड्रेस ही कब होते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हो तब शेयर होल्डर होते हैं वरना रिव्यू के केस में यू विल रिपोर्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके बाद आप बात करोगे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी की ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जस्ट रीड करके चलना Then, आप बोलोगे जो भी रिव्यू किया हमने किसके हिसाब से किया साड़ी दस के के हिसाब से, फिर रिव्यू अंदर जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं वो बता देना इंक्वायरी और एनालिटिकल बात मैंने आपको बताई दिस इज सेम है साढ़ी चौबीस सो तो वही की वही बात यहां पर रिपीट हो जाती है देन सर हम अपना ओपिनियन कैसे लिखते हैं हम अपने ओपिनियन को ऐसे लिखते हैं कि वेदर एनी थिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन विच कॉज हिम टू बिलीव दैट आई एफ आई डिव अट थ्रू एन फेयर व्यू ठीक है जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा या फिर एनी हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट मेक्स हिम बिलीव दैट आई एफ आई इज नॉट प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ देन डेट प्लेस टाइम नहीं आता यहां पे ठीक है डेट प्लेस मेंबरशिप नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फॉर्म ठीक है date, place,

ऑफ योर सेकेंड स्केड्यूल यह किसकी बात करता था यह बात करता था मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा गापा का मतलब क्या था जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑन ऑडिटिंग दूसरा ऑप्शन क्या है सर दूसरा ऑप्शन है वन टू टू यह क्या बोलता था नॉन कंप्लायस विद पी आरजी पी आरजी मतलब प्रोविजन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइन क्योंकि यूडिन को लेकर मार्केट में गाइडलाइन है क्योंकि को लेके मार्केट में गाइडलाइन है तो वन टू टू भी आप इसमें लिख सकते हो तो ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है ठीक है बॉस ठीक है सर अब इसके बाद मेरे साथ छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं सर क्या जब भी देर इज ऑन स्कोप जब भी लिमिटेशन ऑन चेक करना है एक्सेप्ट मत करो पागल थोड़ी जो एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ठीक है सर बट इफ इट इज आफ्टर एक्सेप्टेंस प्लीज 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 रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन ऑन स्कोप स्टिल इफ दे रिफ्यूज इसका इंपैक्ट कंसिडर करना अगर तो इसका इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है चुपचाप पतली गली से विड्रॉ कर जाओ इफ पॉसिबल एज पर द लॉ रेगुलेशन इसकी बात हमने सेबी में ऑलरेडी कर रखी है ठीक है सर बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल फ इट इज नॉट पॉसिबल टू विद्रॉ यू विल डिस्क्लेम योर कंक्लूजन बट अगर इंपैक्ट मटीरियल है परवेसिव नहीं देन जस्ट गिव अ क्वालिफाइड कंक्लूजन यही बात यही बात आपके इस लिमिटेशन ऑन स्कोप वाले पार्ट में दे रखिए पूरा का पूरा यह पार्ट हमने इस चार्ट में गो थ्रू कर लिया गोइंग कंसर्न का रिपोर्टिंग वी हैडी डिस्कस्ड उसके अलावा ये कहता है डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफ जब भी मटेरियल स्टेटमेंट मिल जाएगी तो या तो क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन आएगा सर क्वालिफाइड कब आएगा जब मटेरियल है बट परवेसिव नहीं बट अगर इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स कंक्लूजन दे के चलेंगे ठीक है ठीक है सर अब लास्ट टॉपिक पे आ जाओ अदर कंसिडरेशन कम टू द लास्ट टॉपिक अदर कंसिडरेशन सर अदर कंसिडरेशन क्या कहते हैं ध्यान से समझना सपोज आप कोई रिपोर्ट इशू कर रहे हो जिसके अंदर आई आई है या यानी देर इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आई एफ आई है और आप सामने वाले को फील दे रहे हो दैट इट इज रिव्यूड तो अगर रिव्यूड जा रहा है तो उसकी रिव्यू रिपोर्ट भी साथ में जाएगी भाई अगर रिव्यू रिपोर्ट साथ में इंक्लूडेड नहीं है तो चेक करो रिव्यू रिपोर्ट में अनमोडिफाइड कंक्लूजन था या मॉडिफाइड कंक्लूजन अगर तो ये अनिफाइड रिव्यू रिपोर्ट थी टेक लीगल एडवाइस ठीक है सर बट अगर ये मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट थी तो भी लीगल एडवाइस प्लस

क्योंकि मैनेजमेंट बदमाश है ऐसी बदमाश मैनेजमेंट के साथ काम करके कोई फायदा नहीं तो रिव्यू तो हो गया अब ऑडिट के साथ हम रिजाइन करके चले जाएंगे तो यही बात यहां दे रखी है हम मैनेजमेंट से एग्री करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जहां सामने वाले को इंडिकेशन मिल रही है दैट दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन रिव्यूड तो हमारी रिव्यू रिपोर्ट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड टेक लीगल एडवाइस बट इफ इट वाज अ मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट तो लीगल एडवाइस तो लेंगे ही प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑडिट ऑफ

अगर लिस्टेड एंटिटी का केस है तो उसके अंदर हम मान के चलते हैं उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि जो यूजर्स हैं, दे हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सर बट अगर अदर केस है तो आपको एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा बाबू आपको इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा कि जो भी कंटेंट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको रीड करो किसके साथ विद द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर इसमें ये स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है देन इसका नेचर आप कंसिडर कर सकते हो टू बी मिसलीडिंग एंड कंसिडर इट्स इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट तो ये जो लास्ट में अटपटी चटपटी अटपटी चटपटी ये दो बातें दे रखी हैं इन अटपटी चटपटी बातों को इग्नोर मत करना क्योंकि नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट बच्चे ठीक है जितने जम्स डिटॉल भी नहीं मार पाता उससे ज्यादा बच्चे इन दो टॉपिक्स को इग्नोर कर जाएंगे और यहां पे आईसीआई मसालेदार सवाल बना सकता है कैसे सवाल बना देगा कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आई है बट रिव्यू रिपोर्ट नहीं हाउ विल यू डील विद इट एज अ ऑडिटर प्लस विल योर आंसर भी डिफरेंट इफ इट वॉज अ मॉडिफाइड रिव्यू रिपोर्ट तो दोनों केसेस में क्या बोलेंगे लीगल एडवाइस लेंगे बट सेकेंड नंबर केस में वी विल कंसिडर द पॉसिबिलिटी टू रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है ठीक है सर तो यहां आपका यहां आपका पूरा का पूरा रिव्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है लास्ट में देखो क्या कहता है प्रिपेयर द रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन दैट इज एंड एंड्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस बेसिस जिस पे आप अपना कंक्लूजन वगैरह दे सको प्लस लोगों को लगे कि हां आपने एसआर से कंप्लाई किया लॉज रेगुलेशन से कंप्लाई किया एक क्वेश्चन दे रखा है सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्वेश्चन करोगे मेरे साथ आर यू पीपल रेडी टू डू द क्वेश्चन विद मी यस सर जल्दी से रीड करो और मुझे बताओ कैसे डील करना है इस मैटर के साथ साथ में रीड करेंगे देखो ये कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट जिसके आप ऑडिटर भी हो जब मैं रिव्यू कर रहा हूं और ऑडिटर भी हूं तो कौन सा एस आ गया एस आर ई इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरी आग लगी आग लगी मेजर फायर इन द प्लांट ऑफ अ कंपनी इट हैज रिजल्टेड इन मासिव डिस्कर इन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी वर्ड्स स्टिल बुरा से बुरा इनकी मशीनरी और इन्वेंट्री भी अन इंश्योर्ड है आग लगी तो लगी इंश्योरेंस भी नहीं ले रखी थी जिस वजह से बिचारों को सब्सटेंशियल लॉसेस हो गए दिस मैटर इज डिस्कलोज इन द आई एफ आई दिल पे हाथ रख के बताओ कौन से टॉपिक की फील आ रही है विच टॉपिक फील यू गेटिंग इन दिस क्वेश्चन सर लॉसेस हुए हैं, लॉसेस को लेके डिस्क्लोजर है ICAI कान में आके बोल रहा है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग तो अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न मिलती है अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न मिलती है तो यह पूछ रहा है हाउ विद द सेम इन योर रिपोर्ट मैंने कहा चुपचाप इसमें डालेंगे नहीं e -O -M हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे हम अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे कैसे मॉडिफाई द रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग यहां मॉडिफिकेशन का मतलब यह नहीं है कि मैं डाकू ओपिनियन दे रहा हूं डिस्क्लेमर एडवर्स और क्वालिफाइड नहीं बस ईओ e एम पैरा वाली मॉडिफिकेशन आपने यहां पर लिख के चलनी है ठीक है बॉस ठीक है सर एक क्वेश्चन और आ जाओ क्या सीरत है क्या सीरत है क्या सीरत है देखो क्या कहता है सी ए सीरत इज कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ द क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जिसकी वो ऑडिटर भी है अगेन क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू और ऑडिटर कौन सा एसआर आ गया चौबीस सौ दस शी बिलीव इट इज नेसेसरी टू मेक अ मटीरियल एडजस्टमेंट एक मटीरियल एडजस्टमेंट करनी जरूरी है टू बी प्रिपेयर इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ इसने इस मैटर को सी को बताया ऑडिट कमिटी को बताया बट इसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला नाउ टेल वॉट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू हर क्या क्या ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है तो सर एक बात बताओ जब भी आपको लगता है मटेरियल एडजस्टमेंट्स करने की नीड है यानी क्या मैं बोल दू यहां पे कहीं ना कहीं इसको मटेरियल मिस्टेटमेंट की फील आ रही है तो, या तो एविडेंस मिला हो या फिर ना मिलाओ क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि इसको एविडेंस मिला या नहीं मिला तो ये क्या करेगी सबसे पहले तो ओपिनियन को मॉडिफाई कर सकती है बट अगर ये केस है कि मान लो इसको एविडेंस नहीं मिला अगर ये केस है कि एविडेंस नहीं मिला बट इंपैक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी तो ये विड्रॉ भी कर सकती है अब इस पर सवाल उठता है विद्रॉ कहां से करना चाहती है रिव्यू से करना चाहती है या ऑडिट से भी करना चाहती है रिव्यू से करना चाहती है या ऑडिट से भी करना चाहती है तो सारे बच्चे देखो क्या करेगी मॉडिफाई करेगी रिपोर्ट यानी जो ओपिनियन इसको सही लगता है डाकू में से वो दे देगी डिस्कलेमर एडवर्स या क्वालिफाइड ठीक है सर प्लस शी विल कंसिडर विड्रॉइंग ठीक है विद्रॉइंग फ्रॉम दिस एंगेजमेंट यानी रिव्यू एंगेजमेंट एंड दूसरा ऑप्शन क्या है रिजाइन फ्रॉम द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिव्यू एंगेजमेंट के साथ वर्ड यूज होता है विड्रॉ और ऑडिट के साथ वर्ड यूज होता है रिजाइन ठीक है बॉस ठीक है सर है सर लास्ट में आता है हमारा थॉट ऑफ द डे थॉट ऑफ द डे क्या कहता है सर जो हमारा एक्सपर्ट है ना आज की डेट में एक समय पे वो भी बिगनर ही था एक समय पे वो भी बिगनर ही था तो ये बिगनर एक्सपर्ट बना कैसे ये बिगनर एक्सपर्ट बना कैसे सर इसकी सीक्रेट रेसिपी क्या है गिव अप करके नहीं कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके इफ यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड इफ यू कंसिस्टेंटली वर्क हार्ट एवरी थिंग इज पॉसिबल तो अगर वो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं होता तो ऐसा समझना किसी से भी नहीं होता अगर वो कॉन्सेप्ट पहली बारी में आपको याद नहीं होता तो ऐसा समझना किसी से भी नहीं होता बट हां अगर हमें बिगनर से एक्सपर्ट की पोजीशन पे जाना है तो हमको एक बार और ट्राई करना पड़ेगा दो बार और ट्राई करना पड़ेगा जब तक हमसे वो चीज कंफर्टेबली ना होने लग जाए जब तक हम उसमें एक्सपर्ट ना बन जाए हमको ट्राई तो करना पड़ेगा बिकॉज ट्राई करने में ना पैसे नहीं लगते ट्राई करने में पैसे नहीं लगते बस एक उम्मीद लगती है बस एक मनोकामना लगती है कि हमको अपने लिए कुछ अच्छा करना है हमको अपने लिए कुछ अच्छा करना है किसी और के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए सो इफ यू रियली विश फॉर योर बेस्ट ऑफ द फ्यूचर अगर आप भी चाहते हो आपको चीजों में अच्छा कंफर्ट आए तो हमेशा याद रखना पहले ही दिन पहले ही मोमेंट पे आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे धीरे धीरे वेन यू वर्क हार्ड वेन यू कंसिस्टेंटली मूव फॉरवर्ड एवरीथिंग डज फॉल इन प्लेस और जब चीजें प्लेस फॉल करती हैं, तभी हम राइज करते हैं तभी हम life में करते हैं, ठीक है? जिस तरह से मैंने आपको बताया जिस अप्रोच के साथ बताया वैसे ही आपने इस के साथ डील करना है देखो क्या है ना आईसीआई का काम है फिलाना हमारा काम क्या है समेटना क्योंकि किसी ने सही कहा है. प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ बस नजरिए के बाद तो अगर आप इस सिंपलिस्टिक हार्डवर्किंग अप्रोच के साथ चलोगे डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच हैव एन ऑसम डे एंड यस ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते ऑल द बेस्ट लगे रहो